हेलो एवरीवन, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हर दिन सुबह सुबह हम चले आते हैं हमारे बालकनी में। हमारा एक छोटा सा बालकनी है और बहुत फूलों के पौधे मैंने लगाए हैं। पिछले कुछ दिनों से हिबिस्कस का जो पौधा है, जिसे हम जासवंदी भी कहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से खिल रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले से ही जासवंदी के जो फूल मुरझा गए हैं उन्हें अलग से कलेक्ट किया है। हिबिस्कस फ्लावर को हम भगवान के पास तो चढ़ाते ही है, ये गणपति का एक फेवरेट फ्लावर माना जाता है। इसके अलावा हिबिस्कस प्लांट और हिबिस्कस फ्लावर का आयुर्वेदा में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर मैं बालकनी गार्डन से थोड़ा सा करी पत्ता भी ले रही हूँ। मेरा करी पत्ता का पौधा भी बहुत पुराना है और हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें कोई साउथ इंडियन डिश बनाना हो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ करी पत्ता, हिबिस्कस फ्लावर और मेथी को तेल में उबालकर एक बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल, जिसे माना जाता है कि बालों पे लगाने पर बाल तो बढ़ते ही है और बालों में एक बहुत अच्छा शाइन भी आता है। तो ये हेयर ऑयल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लिया है और मैं अच्छी तरीके से कोकोनट ऑयल को कढ़ाई में गर्म कर लूँगी। तेल में एक अच्छा सा उबाल आते ही मैं कड़ी पत्ता, मेथी के दानों को और हिबिस्कस फ्लावर को तेल में डालकर एक और बार अच्छे से उबाल लूँगी। लगभग 5 से 7 मिनट बाद ही मैं गैस ऑफ कर दूँगी और इन्हीं सब सामग्री को तेल में भिगोया हुआ रखूँगी कुछ और देर तक। लगभग 2 से 3 घंटे बाद जब तेल ठंडा हो जाए, मैं इसे अच्छे से छान कर एक अलग से कटोरी में निकाल लूँगी। ये हेयर ऑयल बचपन में मेरी मम्मी भी बनाती थी और मुझे लगा देती थी बालों में। इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल अगर 2 से 3 दिन भी हम अगर हफ्ते में कर पाए तो बहुत ही अच्छा सा ग्रोथ हमें हमारे बालों में दिखता है। तो चलिए, अभी लगभग सुबह के 9 बज गए हैं और मैं अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना लूँ, बहुत भूख भी लग गई है। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी डोसा बैटर है। ये बैटर थोड़ा सा पुराना हो गया है तो डोसा शायद इससे और अच्छा ना लगे। तो मैं यहाँ बना रही हूँ उत्तपम। उत्तपम में मैंने ऐड किया है चॉप किया हुआ ग्रीन चिलीज़, ऑनियन, टमाटो। एक तरफ अच्छे से पकने के बाद मैं दूसरे तरफ में डाल दूँगी थोड़ा सा चीज़ और वापस 1 मिनट के लिए ढक दूँगी। उत्तपम के साथ तो असली मज़ा कोकोनट चटनी या रसम या सांभर के साथ आता है, लेकिन इनमें से कुछ भी मेरे पास आज बनाया हुआ नहीं है। कुछ दिन पहले ही बनाया हुआ पूरी पाउडर है हमारे पास, तो हम उसी से ही उत्तपम खा लेंगे। अभी लगभग सुबह के 11 बज गए हैं और मैं सोच ही रही हूँ कि लंच के लिए क्या बनाया जा सकता है। हफ्ते में 2 से 3 दिन एक सब्ज़ी की गाड़ी आती है, तो यहाँ पे पालक, मेथी, धनिया ये सब सब्ज़ी बेचते हैं और काफ़ी कम दाम में। जैसे मान लीजिए मार्केट में अगर हमें एक गड्डी पालक 20 का मिले तो ये यहाँ पे 5 रुपये में बेचते हैं, काफ़ी कम दाम में। तो ये डायरेक्टली जो है फार्मर्स से सप्लाई आता है। हम जहाँ रहते हैं पुणे में, आसपास में बहुत सारे फार्मलैंड्स हैं, तो उन्हीं से ही ये गाड़ियाँ भर के लाते हैं बेचने के लिए बिल्डिंगों के नीचे। हमारे लिए भी काफ़ी आसान हो जाता है, हमें मार्केट तक नहीं जाना पड़ता और कम दाम में हमें भी सब्ज़ियाँ मिल जाती है। तो आज मैंने धनिया, मेथी के साथ लिया है शेपू। शेपू साग जो होता है, इसे दिल भी बोलते हैं इंग्लिश में, एंड मैंने वेजिटेबल मार्केट में बहुत देखा है बट कभी लिया नहीं है या कभी बनाया नहीं है। तो आज उनके पास भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, मुझे शेपू साग दिखा तो मैंने सोचा आज ले लेती हूँ। पहली बार मैं भी बना रही हूँ तो सोचा कि आप सभी के साथ शेयर करूँ। कढ़ाई में तेल गरम होने पर मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा और हरी मिर्च और साथ ही में डाल दिया साग। और यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने मूंग दाल को भिगा कर रखा है। साग में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और अच्छे से भूनने के बाद मैं डाल दूँगी भिगाया हुआ मूंग। और इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लगभग 10 से 12 मिनट में ही ये साग बन के एकदम रेडी है। आप इसे राइस के साथ खा सकते हो या फिर रोटी के साथ भी, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। दोपहर के लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके हमने सोचा कि थोड़ा सा बाहर से घूम आते हैं। तो हम बेसिकली जा रहे हैं हमारे घर से थोड़े दूर पर एक मॉल में। ये मॉल जो है आउंध में है पुणे में और काफ़ी बड़ा मॉल है।
और जाते वक्त हमें बानेर से होकर जाना पड़ता है। आप राइट साइड में देख सकते हैं कि बानेर में जो मेट्रो का काम है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया है। तो कुछ दिनों बाद मन है कि मैं मेट्रो से भी यहाँ तक आऊँ, क्योंकि गाड़ी में आने के लिए बहुत ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो चलिए, अभी हम मॉल पहुँच गए हैं। तो आज वीकेंड है और मॉल में वीकेंड्स को पार्किंग मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लाइन भी लग गई है। तो बहुत देर बाद हमें पार्किंग मिल गई और यहाँ पे एक टॉय ट्रेन है जो मॉल में चलती है। ये लगभग हर मॉल्स में ही हमें दिखता है और जब भी दिखता है मैं एक वीडियो क्लिप निकाल ही लेती हूँ। तो चलिए, हमें जो भी करना था मॉल में हमने वो थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया और ज़्यादा देर नहीं रुकने का प्लान है। आज घर वापस लौटना भी है और इसी मॉल से घर जाते वक्त हमें एक दुकान पड़ता है जिसका नाम है जलेबी जंक्शन, और यहाँ पर पूरे देसी घी में जलेबी तला जाता है। काफ़ी फेमस शॉप है, आप जो लोग बानेर साइड में रहते हो आपको तो पता ही होगा। तो हम यहाँ से थोड़ा सा जलेबी पैक कर लेंगे। इस दुकान की एक खासियत है कि वो पहले से ही बनाकर रखा हुआ जलेबी नहीं बेचते हैं। आप जब भी ऑर्डर करोगे आपको उस हिसाब से वो गरम फ्रेश जलेबी बनाकर देंगे। तो ये जलेबी खाने में तो क्रिस्पी रहता ही है और क्योंकि देसी घी में तला हुआ होता है तो इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो यहाँ पे भैया ने ऑलरेडी फ्राई करके चाशनी में डुबो लिया है और जल्दी जल्दी वो पैक कर रहे हैं। हमारे अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जिनका वो पैकिंग कर रहे हैं। ये दुकान हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है तो हमारा इस दुकान में इतना आना नहीं होता, लेकिन जब भी हम आसपास से गुजरते हैं किसी काम से हम रोक के यहाँ पर थोड़ा बहुत जलेबी तो पैक करके ले ही लेते हैं। तो चलिए, अभी हमने जलेबी पैक कर लिया है और सीधा निकल जाएंगे घर के तरफ। तो आज शाम के स्नैक्स में हम बनाने वाले हैं कुछ स्पेशल। तो जलेबी को देखकर आपने शायद गेस कर ही लिया होगा कि हम बना रहे हैं समोसा। वैसे मैं नहीं बना रही हूँ, सौरभ बना रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आलू को छील के 12 मिनट के लिए माइक्रोवेव में बॉयल कर लिया है। स्टफिंग में हमने डाला है थोड़ा सा हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, जो बेसिक हम डालते हैं स्टफिंग में, और मैदे को यहाँ पे गून लिया है थोड़ा सा कम पानी के साथ, और इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डाला है क्योंकि समोसा में अजवाइन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। तो समोसा बनाने के पहले हमने YouTube में काफ़ी सारे वीडियोस देखे पहले कि इसका शेप हम कैसे दें। तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मैंने एक दो अटेम्प्ट में ही सीख लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रोटी के आकार में मैदे को बेल रही हूँ। अच्छे से बेल लेने के बाद मैं इसे बीचों बीच से कट कर दूंगी, तो एक रोटी से दो समोसा हम बना पाएंगे। तो यहाँ पे समोसा का शेप लाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करूँगी। जो जॉइंट्स हम करते हैं या जो फोल्ड्स हम करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि मैदा अच्छे से चिपकता नहीं है, सील नहीं होता है, तो पानी के सहारे हम अच्छे से इसे सील कर सकते हैं ताकि जो फिलिंग है वो फ्राई करते टाइम बाहर ना निकले। तो मोमोज हो या समोसा, आप फिलिंग जितना ज़्यादा डालोगे खाने में उतना ही मज़ा आता है, बट मैं यहाँ पे लिमिटेड फिलिंग डाल रही हूँ क्योंकि मेरा भी फर्स्ट अटेम्प्ट है और पता नहीं अगर तेल के बाहर निकल गया तो पूरा तेल ही वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने समोसे के फिलिंग को डालने के बाद हल्के हाथों से जो बेस है उसको अच्छे से मैं अभी यहाँ पर मोड़ रही हूँ। पहले ही पानी लगा लिया है ताकि अच्छे से ये चिपक जाए। तो हमारा पहला समोसा बन के एकदम तैयार है और बहुत ही क्यूट लग रहा है क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटा है। आप बोल सकते हो ये मिनी समोसा है, और ऐसे ही आकार में मैं बाकी समोसा भी झटपट बना लूँगी। तो ये समोसा के थाली को सजाते वक्त मुझे बचपन की याद आ गई। तो हर मिठाई की दुकान के बाहर आप देखोगे कि समोसा को तला जाता था और एक कांच के शोकेस में ऐसे समोसा के थाली को रख देते थे। माना जाता है कि समोसा तलने से पहले आप उसे थोड़ा सा एयर ड्राई कर लीजिए ताकि वो थोड़ा स्टिफ़ बने। तो चलिए, अभी गर्मा गर्म समोसा जो है मैं दो तीन बैचेस में से तल लूँगी। तो समोसा तलते वक्त जो तेल है वो ज़्यादा गर्म ना हो तो बेहतर है। मीडियम हॉट ऑयल में हमें समोसा को छोड़ना है ताकि एक इवन टेम्परेचर में पूरा समोसा कुक हो और बाहर बबल फॉर्मेशन ना हो। तो लगभग 7 से 10 मिनट के अंदर ही समोसा का एक गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो यहाँ पे हम इसे निकाल लेंगे
और जो जलेबियाँ हमने पैक करके लाई है उसके साथ ये समोसे को एंजॉय करेंगे। तो होममेड समोसा एकदम रेडी है यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं, और व्लॉग अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।